classes. This is Shweta, your IELTS trainer and a motivational speaker. Welcome back to my channel, Sacred English Academy. Till now, if you people have not subscribed this channel and press the notification button, go quickly and subscribe this channel, because the coming videos are going to be very beneficial for you all, because they all are going to be regarding tenses. So I'm here today for discussing about the first tense with you all, and that is past indefinite. Past indefinite ek aise time ko refer karwata hai, us action ko refer karwata hai jo ki guzre samay mein hua hai. That means that action which has no real connection with the present time, it shows that it has happened in the previous time. So wahi sentences past indefinite mein included. So, सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में. अफर्मेटिव अगर मैं दूसरी भाषा में इसको बोलूं तो सिंपल सेंटेंसेस को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे. एंड आई हैव रिटन हियर द रूल ऑन द बोर्ड. एक्चुअली रूल मेक इट वेरी इजी फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड हाउ टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस इन इंग्लिश. सो लेट्स सी इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. एन एग्जाम्पल इज मोहन ने खाना खाया था. था हियर रेफर्स टू पास्ट, मतलब कोई भी बात जो पिछले समय में हुई है. सो इन इंग्लिश वी कैन राइट इट एज मोहन एट फूड. मोहन इज अ सब्जेक्ट जो काम को कर रहा है. एट इज अ सेकेंड फॉर्म. जैसे मैंने आपको बोला कि यू हैव टू यूज द सेकेंड फॉर्म इन पास्ट इनडेफिनेट सिंपल सेंटेंस. एंड देन एट द ऑब्जेक्ट इट्स फूड. Here I've written on the board. I'm again repeating the sentence. Mohan ne khana khaya tha. Mohan ate food. So this is how, with the help of this rule, you can make the sentence in a very easy manner. And this is all about the simple sentence of past indefinite. So now let's move on to the negative sentence. Negative sentence ka meaning agar main bataun to wo baat jisme na ka istemal kiya jata hai, nahi ka istemal kiya jata hai, wo negativity ko show karwata hai ya negative sentence ko show karwata hai. And in English the rule says that we have to use did not plus verb ki first form. जब भी आपको पास्ट इंडेफिनिट के अंदर नेगेटिव सेंटेंस की बात करनी है तो आपको इसी रूल के अकॉर्डिंग चलना है. मेक श्योर कि आप रूल से बाहर ना जाएं. जो रूल कहता है उसी रूल से स्टिक रहें, एंड देन योर ट्रांसलेशन विल बी वेरी करेक्ट. एंड द एग्जाम्पल विच आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड इज अगेन लेट्स वी रीड. मोहन ने खाना नहीं खाया था. जैसा कि मैंने आपको बोला कि नेगेटिव सेंटेंस में नहीं का इस्तेमाल किया जाता है. एंड हेयर In English, how we have to translate? We have to go according to the rule only. And here it is, Mohan did not eat food. Did not, as I told you, ki hum apne rule se hi lenge. And then after that, we have to use the verb's first form, and that is eat. And at the last, there is a object. So this is how you have to write a sentence in a negative form according to the rule only. मेक श्योर कि आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना, बिकॉज हमने पिछले सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया था. बट यहाँ पे जब भी हम नेगेटिव की बात करते हैं या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं या फिर इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है. नो वर्ब सेकेंड फॉर्म इज गोइंग टू बी यूज हेयर इन दीज थ्री पार्ट्स ऑफ पास्ट इनडेफिनिट. Then we have interrogative sentence. Interrogative का मेरे कहने से मतलब ये है कि जब कोई सवाल किया जाता है. And make sure कि जब भी आप किसी सेंटेंस को कन्वर्ट करें इंटरोगेटिव सेंटेंस में, उसके एंड में आप क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगा लें. And here the rule says about the interrogative sentence that we have to use did at the very first part, then subject and then first form of verb. यहाँ पे मैंने आपके लिए उसी नेगेटिव सेंटेंस को रिपीटेडली यहाँ पे लिखा है, बट आपको अभी इसको नहीं देखना, जस्ट इग्नोर इट राइट नाउ, बिकॉज सबसे पहले मैं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस को डिस्कस करूँगी, फिर नेगेटिव से इंटरोगेटिव कैसे डिराइव करना है वो आपको बताऊँगी. एंड द सेंटेंस हियर सेज क्या मोहन ने खाना खाया था. इट्स अ क्वेश्चन. दैट इज वाई यू कैन सी दैट आई हैव मार्क्ड हियर अ क्वेश्चन मार्क. एंड कन्वर्जन it
into the interrogative sentence in English says that we have to use did at first, then subject jo ki Mohan hai, then verb ki first form eat, and then at the end food which is the object. I'm repeating, did Mohan eat food? अब देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस से इंटरोगेटिव कैसे बना। आपको कुछ भी ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस जो पहले नंबर पे सब्जेक्ट लगा है उसको इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसको सेकेंड नंबर पे लेके जाना है। लाइक मैं आपको एरोज डाल के समझा रही हूँ कि अगर सब्जेक्ट फर्स्ट नंबर पे है नेगेटिव सेंटेंस में, तो इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए उसको सेकेंड नंबर पे लेके जाना है। इन द सेम वे डिड यहाँ पे सेकेंड नंबर पे है, तो आपको इसको फर्स्ट नंबर पे लेके जाना है। एंड यू डोंट हैव टू यूज हियर नॉट। सो दिस इज हाउ द सेंटेंस इज मेड, डिड मोहन ईट फूड। एंड यू डोंट हैव टू स्किप द रूल, मेक श्योर कि आप रूल को साथ में लेके चलें, अदरवाइज आपकी मिस्टेक्स होने के ज्यादा चांसेस हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरोगेटिव सेंटेंस। Then we have interrogative plus negative sentence. Interrogative मतलब कोई सवाल पूछा जा रहा है, negative मतलब उसी सवाल को ना में पूछा जा रहा है। And the rule here says that we have to use did plus subject plus not and plus verb की first form. Make sure कि जब भी सवाल पूछा जा रहा है उसमें did आपको ज़रूर add on करना है, और जब भी negative चीज़ की बात आती है तो आपको साथ में not ज़रूर add on करना है, but stick to the rule of course. And the sentence here says, क्या मोहन ने खाना नहीं खाया था? क्योंकि question है तो हम did use करेंगे, जैसा कि मैंने आपको interrogative में पीछे अभी समझाया. Then comes the subject, did Mohan not comes from the rule, eat food. Eat comes because it's the first form of verb. I'm repeating the sentence, did Mohan not eat food? So this is how you have to make the sentence of interrogative plus negative. One thing more, I'm going to repeat कि आपको बिल्कुल भी confused होने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ पे first form use करें, कहाँ पे second form use करें, कहाँ पे कोई और form use करें। बस एक चीज़ आपको अपने mind में रखने की ज़रूरत है कि जब भी आप affirmative sentence या फिर simple sentence की बात करते हैं तो आपको verb की second form का इस्तेमाल करना है, और जब भी आप negative, interrogative और interrogative plus negative की बात करते हैं तो आपको verb की first form का इस्तेमाल करना है। Don't get confused at all. Just you have to take out your registers and write down the rules, whatever I've written on my board, and make sure कि जिस तरीके से मैंने आपको इन sentences की help से समझाया है, उसी sentences से आप अपने mind में stick कर लें इन rules को कि आपको चलना किस तरीके से है, ताकि आप आने वाले दिनों में या in the next time आप mistakes ना करें. These are some of the sentences in Hindi, and you have to translate them in English and write down in the comment sections. So this was the end of the video. One thing more, I want you to subscribe this channel particularly and press the bell icon so that you could get the notifications of the videos whenever I upload it on YouTube. एक चीज़ और आप ध्यान रखें कि आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे आकर कई बार कहते हैं, मैम आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता. एंड आई से टू देम कि आपने क्या बेल आइकन प्रेस किया? एंड दे से नो मैम, वी हैव नॉट. सो आई वांट टू टेल यू ऑल, प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन व्हेनेवर आई अपलोड द वीडियो ऑन द यूट्यूब. एंड डू कमेंट अंडर द कमेंट सेक्शन कि आपको किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. एंड कोई भी ऐसा टॉपिक जिसमें आपको कन्फ्यूजन है एंड आप चाहते हैं कि मैं उस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊं, जस्ट लेट मी नो बाय राइटिंग इन द कमेंट सेक्शन. लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद इट ऑल योर फ्रेंड्स.